तो ये 27 दिसंबर को यानी कि कल हमारी टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। CIA2 की जो टीम थी उनको एक खबरी के थ्रू सूचना मिली कि भारी मात्रा में जो अवैध हथियार है वो इलाके में जो है कुछ अपराधियों के द्वारा लेके आया गया है। इस सूचना पर इसकी हमने प्राथमिक जांच करने उपरांत इस संबंध में एक रेड हमने की, जो रेड गांव नकीपुर में की गई, जिसमें आरोपी सुनील कुमार पुत्र संजय कुमार वासी चहड़कला हाल निवासी नकीपुर जो है वहाँ रेड करने उपरांत हमारे को इसमें टीम को काफ़ी भारी मात्रा में असला बरामद हुआ, जिसमें पिस्टल 32 बोर के 10, साथ में मैगजीन पिस्टल 30 बोर के 7, कार्बाइन 1 और इसके अलावा 8 मैगजीन एक्स्ट्रा, और इसके अलावा कुल 53 अलग अलग बोर के कारतूस। इस प्रकार से कुल 18 वेपन और 53 कारतूस और 8 मैगजीन टीम को इसके अंदर बरामद की हुई, जो इसके अंदर तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके अभियोग में तफ्तीश अमल में लाई गई। तो आरोपी सुनील के द्वारा बतलाया गया कि यह जो हथला था उसको दो लड़कों के द्वारा हैंडओवर किया गया था। तो उन दो लड़कों के नाम सामने आने पर टीम के द्वारा उनके ऊपर भी दबिश दी गई, जिनके नाम संदीप उर्फ लाला पुत्र बलवान निवासी सिंघानी जिसकी उम्र 19 साल है, और आशीष उर्फ दिनेश पुत्र मांगेराम वो भी सिंघानी गांव का है। इन दो लड़कों के द्वारा जो यह असला है यह इंदौर जिले से मध्य प्रदेश से लाकर और ये बस के माध्यम से गए थे और ये वहाँ से लाकर इन्होंने इसको हैंडओवर किया था। अब इसमें और आगे गहनता से जांच जारी है कि यह असला किसके कहने पर मंगवाया गया था और इसके साथ आगे ये किस किस को आगे इनमें से कुछ असला अगर आया हुआ कहीं किसी और को दिया गया है कि नहीं, इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है और अन्य जो भी संलिप्त आरोपी होंगे उनकी धरपकड़ की जाएगी। तीनों आरोपियों की आज जो है माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और इनकी पुलिस रिमांड जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय की वो अपील की जाएगी ताकि सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा सके।